जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू की जीत के बाद आज जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में ये आभार यात्रा को लेकर के विधायक पूर्णिमा दास साहू पहुंची। पूर्णिमा दास साहू ने जनता का आभार जताया और कहा कि जनता का अपार समर्थन इस विधानसभा चुनाव में उनको मिला है, जिसको लेकर के उनका धन्यवाद मैं करती हूं और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी और जमशेदपुर पूर्वी की जनता की समस्याएं रहेंगी उन्हें जरूर दूर करने का काम करूंगी। और यह आभार यात्रा गोलमुरी चौक से शुरू होकर के गोलमुरी बाजार से होते हुए टुइल डूंगरी, गड़ाबाशाह और वर्मा माइंस के सभी क्षेत्रों से निकली है और बिरसा नगर क्षेत्र से होकर के वापस गोलमुरी में समाप्त हुई। बस यही कहना चाहूंगी कि आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया और भी अपार अपार रूप से ये दिया है और उस पर विश्वास जताया है, इस बेटी पर, इस बहू पर, इस बहन पर विश्वास जताया है। बस यही चाहूंगी कि आपका ये विश्वास और मुझे मजबूती देगा और मैं मजबूती के साथ इस क्षेत्र में काम करूंगी। मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद प्यार यूं ही सदा मेरे साथ बना रहे। महिलाओं में खास खुशी दिख रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बस महिला विधायक बनी है तो उन्हें और ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है कि उनकी अब समस्याएं जो है वो निश्चित हो गई है, आश्वासित हो गई है कि नहीं उनकी समस्या जरूर से पूरा हो जाएगी, जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू की जीत के बाद आज जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में ये आभार यात्रा को लेकर के विधायक पूर्णिमा दास साहू पहुंची। पूर्णिमा दास साहू ने जनता का आभार जताया और कहा कि जनता का अपार समर्थन इस विधानसभा चुनाव में उनको मिला है, जिसको लेकर के उनका धन्यवाद मैं करती हूं और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी और जमशेदपुर पूर्वी की जनता की समस्याएं रहेंगी उन्हें जरूर दूर करने का काम करूंगी। और यह आभार यात्रा गोलमुरी चौक से शुरू होकर के गोलमुरी बाजार से होते हुए टुइल डूंगरी, गड़ाबाशाह और वर्मा माइंस के सभी क्षेत्रों से निकली है और बिरसा नगर क्षेत्र से होकर के वापस गोलमुरी में समाप्त हुई। यही कहना चाहूंगी कि आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया और भी अपार अपार रूप से ये दिया है और उस पर विश्वास जताया है, इस बेटी पर, इस बहू पर, इस बहन पर विश्वास जताया है। बस यही चाहूंगी कि आपका ये विश्वास और मुझे मजबूती देगा और मैं मजबूती के साथ इस क्षेत्र में काम करूंगी। मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद प्यार यूं ही सदा मेरे साथ बना रहे। महिलाओं में खास खुशी दिख रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बस महिला विधायक बनी है तो उन्हें और ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है कि उनकी अब समस्याएं जो है वो निश्चित हो गई है, आश्वासित हो गई है कि नहीं उनकी समस्या जरूर से पूरा हो जाएगी, जो समस्या है उसका निवारण।